ऐसा स्वाद और कहाँ। जनाब अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, बहुरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहाँ कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, बहुरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान। फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। बुंदेलखंड के महोबा में अनोखा पशु प्रेम देखने को मिला है, जहां एक महिला पालतू जानवरों से इस कदर प्रेम कर बैठी कि अब वो इंसानों की तरह जानवर के चौक कार्यक्रम करा रही है। वर्तमान समय में इंसान इंसान से बैर कर रहा है, मगर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जानवरों को भी इंसान से बढ़कर प्रेम करते हैं। महोबा के श्रीनगर थाना क्षेत्र के सलालपुर गांव में बैंड बाजों और डीजे की धुनों पर नाचते थिरकते युवक किसी इंसानी बारात में शामिल होने नहीं जा रहे, बल्कि ये जा रहे हैं पपी के जन्म को लेकर अपनी खुशी का इजहार करने। जितनी धूमधाम से इस पपी का जन्म का जश्न मनाया जा रहा है, जो इंसान और जानवर के प्रेम को दर्शाता है। एक महिला अपनी पालतू कुतिया को बच्चे की तरह मानती आ रही है। आज उसके मां बनने के बाद बच्चे के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा है। इस जन्म उत्सव में दूर दराज के गांव से आए लोग समारोह में शामिल हुए हैं। गांव के ग्रामीण कुतिया चंपी के बेटे पप्पी के चेक कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। आज हमने ऐसा कार्यक्रम किया है कि आज हम कुतिया पाले थे बिरयानी, हमने उसका चौक किया, हमें हौलास थी उसकी कि हम उसका कुगा पूजन करें, इसीलिए हमने कुगा पूजन किया है। हमने हर एक चीज से मीठा से हैं, बाजा से हैं, घोड़े से हैं, सबको निमंत्रण भी दिया, गांव में बुलावा भी दिया, हर एक चीज से किया। इसी के लिए कि सबको कहते हैं अपने बच्चे के बच्चे साथ भी बच्चे हैं किसी के, इसीलिए हमने करा है। इंसान और जानवर का प्रेम देखना है तो आपको महोबा के सलालपुर गांव आना होगा, जहां एक महिला पुनिया जानवर से कुछ इस कदर दिल लगा बैठी है कि उसके बच्चे के जन्मदिन की खुशी में चेक कार्यक्रम का आयोजन कर बैठी। पुनिया का कहना है कि जानवर बेहद वफादार होते हैं, बस इन्हें समझने की आवश्यकता है। पुनिया यह जानवर स्वरूप कुतिया यानी चंपी को अपनी बेटी की तरह मानती चली आ रही है। चंपी जिससे वो बेहद खुश रहती है और इस कार्यक्रम में आज सारे मेहमान मस्ती में नाचते नजर आ रहे हैं, तो कुछ पप्पी की नजर उतारते देखे गए। मनुष्य और जानवर का अनोखा प्रेम चर्चा का विषय बना हुआ है। सुना है कि जानवरों को भी प्रेम की आवश्यकता होती है और आज ये बात साफ साफ देखने को मिल रही है। साहब हैं, इन लोगों ने बहुत उत्साह के साथ कुतिया का चौक पूजन कुआ पूजन किया है, तो हम लोगों को निमंत्रण दिया तो हम यहाँ आए, बढ़िया गिफ्ट लेके आए, खाना पीना का बढ़िया प्रोग्राम था, घोड़ा बाजे, सब कुछ अच्छा माहौल रहा और हम लोगों का भी सहयोग है इसमें, सभी लोगों का, पूरे मोहल्ला पूरे गाँव का सहयोग है इसमें। कितने लोगों का खाना हुआ है और खाना कैसा आप लोगों को महसूस हो रहा है? नहीं, खाना बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनवाया, और कम से कम 500-700 लोगों का यहाँ खाना पीना हुआ। पहले मीडियम विचार था 200-250 लोगों का, उसमें घोड़े वाले ज्यादा लोग आ गए, 10-15 घोड़े और डीजे वो बाजे रबी अब भी आया, तो उसमें बहुत आदमी भी बढ़ चुके थे और वो भी, और लेकिन फिर भी हर तरीके से सब कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, इन लोगों से बहुत लगाव रखते हैं जानवरों से, जो कुतिया के बच्चे हैं जिस दिन से भी हुआ उनको बहुत खुशी थी, तो उन लोगों ने हार वाले सभी लोगों से सहयोग की मांग की कि भैया हम इतना करना चाहते हैं, और सभी लोगों ने उनको सहयोग दिया और धूमधाम से सब कार्यक्रम मनाया गया। आज हमें यहाँ से गाँव में हमारी लीडर है पुनिया, उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि आज हम बहुत अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, नई साल की खुशी भी समझ लो और उसकी समझ लो ब्याह जो हुआ है, जैसे कि शहरों में उसको डॉगी बोलते हैं और यहाँ गांव में कहते हैं ये कुतिया है, तो इनके बच्चों का इन्होंने कुआ पूजन किया है
और कुआ पूजन में इन्होंने डीजे बीता, घोड़े बीते, बाजे बीते और काफी लोगों को बुलाया। बहरहाल इंसानी रिश्तों की बहुत सी कहानियां सामने आती रहती हैं, मगर इंसान और बेजुबान जानवर के रिश्तों की कहानियां अपने आप में अनोखी हैं। एक कुतिया के बच्चे के जन्म का जश्न मनाकर पुनिया ने अनोखी मिसाल पेश की है। महोबा से इमामी खान की खास रिपोर्ट। यार जो ससुरता चिरांद फैला रहे हो तुम, अरे सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो ससुर, तुम कान खोल के सुनो, तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन ले जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी।